तो गाइस आज देख सकते हो पूरी की पूरी फैमिली मिलकर हम लोग आज ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज क्या है, शिवरात्रि। और आप सभी को हमारी फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया, मम्मी तो ब्लॉग में आए ही नहीं, क्योंकि वाइट एंगल से मैं शूट कर रहा था। मुझे लगा ना कि पूरा का पूरा ये वाला सीन भी आ गया होगा, इधर होगा। अभी मैंने क्लिप चेक करा, उसमें मम्मी बिट्टू मम्मी और तन्नू ने दिख रहे, सिर्फ बिट्टू कमल और मैं, हम तीनों जन दिख रहे थे। बिट्टू तो गाइस ये देखो, ये जो मैंने ऑनलाइन कपड़े बुलाए थे ना, पाँव से रख बेटा, ऐसे क्या टेढ़ा बेढ़ा बुबा है। मम्मी कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा, बटन निकल लगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। मम्मी एक काम कर, वाले कपड़े भी इसको ट्राई करवा लेते, वो जैकेट लाया ना वो बिट्टू, ये वाले निकालो और वाले ट्राई करते। तो अभी बिट्टू को ना ये वाला ट्राई करवाते, मतलब तो वैसे अभी बिट्टू की वाली ड्रेस पहनाते हैं, साइज का इश्यू नहीं आना चाहिए। वाह ये तो खुल गया, इधर आ बिट्टू, तो देखते हैं बिट्टू पे कैसा लगता है। मैं सोच रहा नहीं, कमल के लिए भी बुलवा लूँ मैं, है ना, अरे अच्छा लगेगा। मम्मी कहाँ से बोल रहा है, बड़े बड़े लोग पहनते हैं, क्यों नहीं खुलेगा। मम्मी तो चाहती है कि कमल अच्छे कपड़े पहने ही नहीं, क्यों नहीं खुलेगा। अरे यार मैं भी दीवार, मैं वैसे करके डाल देता हूँ। अरे बता रहे, अरे कितना क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मम्मी देखो इधर इधर देखो, काली मस्त लग रही है, टेक नंबर। अभी तो जैकेट पहनना बाकी मम्मी, मैं तो निकालो भाई ना, मुझको अंदर रहने दो, अंदर रहने दो। मम्मी इधर आओ ना, कहाँ चले जाते हो, आओ तो देखो हमारा गार्डन कैसे लग रहा है, क्या है बेटा। ओहो कितना प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। हाँ। और अभी मम्मी सुबह सुबह से बना रही है आज शिवरात्रि के दिन सेव की सब्जी है, देखो। हमारी तन्नु आ गई, तन्नु भी कितनी प्यारी लग रही है, देखो तन्नु इधर देखो बेटा, कितनी प्यारी लग रही है। और ये कहीं खीर वीर पड़ोस आड़ोस पड़ोस में कहीं इसको बुलाया था खिलाने के लिए, है तो गाइस देखो दोनों भाई बहन को कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो गाइस वैसे आज शिवरात्रि के दिन कहीं जाने का हम लोगों ने सोचा था, लेकिन नहीं जा पाए, मम्मी ने मना कर दिया ना कहीं जाने से, तो फिर हम लोगों का भी प्लान ही बना। और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और अगर ऐसे में बच्चों को कहीं ले जाए तो वहाँ भी दिक्कत, और नन्हेश्वर जाने का था ना तो वहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और बच्चों को ले जाना तो मेरे से तो संभलते नहीं दोनों के दोनों, मम्मी रहती। तो एक दो दिन में कहीं ना कहीं जाएंगे और घूमने के लिए आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा, अभी नहीं गए तो कभी और चले जाएंगे। हाँ अपने यहीं झूले आ गए ना, झूले की बात तो हमारे इधर भी भगोरिया वगैरह आने वाले हैं, जो भी पुराने सब्सक्राइबर होंगे ब्लॉग देखते आ रहे उनको तो पता है भगोरिया क्या होता है। हमारे हर साल ना हमारे गाँव में मतलब मेला लगता है, एक दिन के लिए दिन में मेला लगता है, उसको हमारी इधर की भाषा में भगोरिया बोलते हैं, तो हर साल लगता है वो, तो उसी की वजह से ना अभी ही झूले आ गए हमारे यहाँ पर। आप लोगों को हो सकता है मैं आज शाम को या एक दो दिन में दिखा दूंगा, ठीक है, इन लोगों को लेके जाऊंगा और उन्हें दिखा लाऊंगा झूले वगैरह। आज काका, हाँ आज देख के आ जाएंगे, ठीक है, आज वो आका झूले भी आ गए। हाँ ठीक है ठीक है, दिखा दूंगा काका, मुझे वाली में काका साथ में।
रेल वाली दुनिया में बैठेंगे। टुक 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 टुक। और ये रे मम्मी क्या कर रहे हो मम्मी? मैं चाय बनाऊंगी। चाय बनाओगी? चाय। कभी कभी ब्लॉग तो गाइस कभी कभी ब्लॉग करने में ना अपने आप पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मेरे बाल पता है कैसे थे और मैंने ब्लॉग शूट करा है। आपने इससे पहले के क्लिप देखे होंगे, सब हंस रहे होंगे। मैंने बाल ही नहीं जमाया। मैं कांच के सामने गया, पहले मैंने ऑयल वगैरह लगाया ऐसे ऐसे कर रहा था बालों को। उसके बाद सोचा कि मैं जमा लूंगा अच्छे से, सेट कर लूंगा बाल। और पता नहीं मेरे माइंड में आया कि मैं ब्लॉग कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ब्लॉग करने लगा और बालों को ध्यान ही नहीं दिया, और बालों को ध्यान ही नहीं दिया। और किसी ने मुझे बोला भी नहीं, इन्होंने भी नहीं बोला ना, मम्मी ने बोला। कब बोला? मम्मी, ओ मम्मी, अभी मेरे बाल कैसे दिख रहे थे? आपने बोला क्यों नहीं? नहीं देखा ही नहीं। मम्मी ने भी नहीं देखा। देखे थे? मैंने ही देखा। मैंने सोचा कि क्लिप कैसा क्या है, देखू तो सही। तो क्लिप देखने लगा तो ऐसे बाल दिख रहे, तो भूत भूत के होते हैं ना सब सामने वाला से चुड़े लोग को ऐसे बाल थे। इनको कम नहीं चाहते नहीं? कौन सा? नहीं नहीं डेंगे 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 डेंगे। अभी रील बनाते बनाते मस्ती चल रही है। ये हंस रहा है कि रो रहा है? पता नहीं चल रहा है क्यों क्या तन्नू ये हंस रहा है कि रो रहा है? रो रहा है। डेंगे 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 डेंगे। मूंगफली खा लो गाइस। गाइस मूंगफली नहीं खाते, पता की फली खाते। मैं बोलता हूँ मूंगफली मम्मी। मैं भी हूँ। ओ मम्मी मुझे मत भूल जाना, ये मेरे लिए। थैंक यू मम्मी। मार्केट से लेके आए कि किसी ने दी थी? ऐसे कैसे रिमोट टूट गया? कैसे टूट गया? बिट्टू बहुत रिमोट तोड़ता है बेटा, उसको ले लेके सोना नहीं है। एक बार चालू कर दो, दूर रख दो रिमोट को। मम्मी आप खा रहे हो ना, मेरी बात सुनो। आप देखो खा रहे हो मूंगफली खा रहे हो, ठीक है। उसको कहाँ फेंक रहे हो? यहाँ पे फेंक रहे हो। इससे अच्छा तो ये आपके पास ये टोपली, इसमें छिलके डालो ना। मत करिए ऐसा, करो कचरा। अरे आप सरका दोगे बेटा, लेकिन इस तरह से देखो खाओ और डायरेक्ट इसमें डालो, तो ज्यादा सरकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। ज्यादा दो तक फैलेगा भी नहीं कचरा। ये नाच रहा है आप देखो। सही तो मम्मी देखने के लिए आ रही, इधर देखो। अभी जा रहा अपने ड्यूटी पे, ये घर इसके पाँव टिकते ही नहीं है। ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है ला दूंगा।